octane rating of fuel. Last time हमने cracking of petroleum fractions का topic complete किया था. हमने देखा था कि हम cracking से किस तरीके से higher hydrocarbons को thermally decompose करके lower hydrocarbons के अंदर convert कर सकते हैं. ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम भी बार बार पहले इस चैप्टर के अंदर ये जिक्र आ रहा था कि मुख्तलिफ फ्यूल्स जो हैं उनकी मुख्तलिफ ऑक्टेन रेटिंग होती है, या उनकी मुख्तलिफ ऑक्टेन रेटिंग एक तरह से उसकी क्वालिटी होती है फ्यूल की. कोई फ्यूल अच्छा होता है, कोई फ्यूल बुरा होता है. ये हमें कैसे पता चलता है कि किसी फ्यूल का कैसे आपने क्वालिटी उसकी डिटर्मिन करनी है, वो उसकी ऑक्टेन रेटिंग से, या ऑक्टेन नंबर इसको हम बोलते हैं, ऑक्टेन नंबर से पता चलता है. तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस बात के ऊपर हमारा फोकस रहेगा कि किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये एक्चुअली क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद होना चाहिए कि हमने बात की थी कि जो गैसोलीन है या पेट्रोल है ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है. ये इस्तेमाल होता है कार्स के अंदर, ठीक है, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स नॉर्मली जितने भी यूज़ हो रहे हैं, इनमें कुछ में डीजल यूज़ होता है, कुछ में गैसोलीन यूज़ होता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर. इसके अलावा मोटर बाइक्स के अंदर यूज़ होता है, वो भी ऑटोमोबाइल्स के अंदर आ जाता है. इसके अलावा ये छोटे जहाज़ों के अंदर भी यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल मशाक टाइप जो जहाज़ हैं उनके अंदर भी ये यूज़ होता है, छोटे जहाज़ों के अंदर भी. और बेसिकली ये जो फ्यूल है ये किस किस्म के इंजन के अंदर इस्तेमाल होता है, उस इंजन को हम बोलते हैं पिस्टन इंजन या इंटरनल कंबशन इंजन. पिस्टन इंजन आपने इससे पहले भी लफ्ज़ सुना हुआ होगा, या इंटरनल कंबशन इंजन. इंटरनल कंबशन यानी इसके अंदर ही कंबशन यानी बर्निंग हो रही होती है. इंटरनल कंबशन इंजन या पिस्टन इंजन में होता यह है कि एक पिस्टन लगा हुआ होता है, ठीक है, या एक सिलेंडर होता है, यूं करके एक सिलेंडर समझ लो आप. वो सिलेंडर ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है. कैसे मूव कर रहा होता है वो सिलेंडर, ना असल में एक बहुत बड़ा सा हॉलो सी कैविटी समझ लो, उस कैविटी के अंदर एक सिलेंडर मूव कर रहा है यूं करके. और ये सिलेंडर ऊपर नीचे होता है और इसके हर दफ़ा मूव करने को हम एक स्ट्रोक बोलते हैं. ये सिलेंडर कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, इसको हम पिस्टन बोलते हैं. ये जो दरमियान में चीज़ मूव कर रही है पिस्टन, ये ऊपर नीचे मूव करता है, और ये जिस कॉलम के अंदर मूव कर रहा है उसको हम सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है. इस पिस्टन के ऊपर नीचे मूव करने की वजह से इस पिस्टन के नीचे यहाँ पे समझ लो कि टायर लगा हुआ होता है, और वो टायर है वो घूमता है, या अगर आप इंजन की बात करो जहाज़ के इंजन की, तो आगे उसके वो पर लगे हुए होते हैं, वो घूमता है तो जहाज़ आगे जाता है. आज हम सबसे पहले जो अपना फोकस रखते हैं वो इस बारे में कि ICE इंजन या पिस्टन इंजन काम कैसे करता है. पिस्टन इंजन, पिस्टन इंजन बेसिकली ऑटो साइकिल चार स्ट्रोक्स के ऊपर बेस्ड होता है. सबसे पहले उसमें एक इनटेक स्ट्रोक होती है, या हम इसको सॉरी सक्शन स्ट्रोक भी बोलते हैं. ये पहली स्ट्रोक होती है. इसके बाद दूसरी स्ट्रोक होती है कंप्रेशन स्ट्रोक. कंप्रेशन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर, ना ये जो सिलेंडर लगा हुआ है ना, ये बड़ा सा सिलेंडर था, दरमियान में एक पिस्टन मूव कर रहा था. अब यहाँ पे साइड पे एक वॉल लगा होता है, वहाँ से एयर और फ्यूल अंदर आ रही होती है, ठीक है, और ऊपर एक वॉल लगा हुआ होता है, यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही होती हैं, ठीक है. एयर और फ्यूल अंदर आती हैं, ये पिस्टन ऊपर की तरफ दबाया जाता है, तो एयर और फ्यूल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस हो जाती हैं. बिल्कुल जब कंप्रेस्ड फॉर्म में ऊपर चली जाती है ना, जब ये पिस्टन बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका होता है, तो वहां पे यहां से एक स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है. स्पार्क प्लग, वो स्पार्क प्लग क्या करता है, वो फौरन यहाँ पे इग्निशन क्रिएट कर देते हैं. वो एक स्पार्क यहाँ पे लगाता है जिसकी वजह से कंप्रेस्ड गैसेस जो हैं और फ्यूल बर्न होता है. जो ही आग लगती है ना, तो समझ लो एक बड़ी सी वेव प्रोड्यूस होती है जो एकदम झटका पड़ता है इस पिस्टन को और नीचे की तरफ मूव करता है. इस झटके की वजह से पहिया मूव करना शुरू कर देता है, और इस स्ट्रोक को हम, जब वो इस दफा वो नीचे आता है, इसको हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं. जो पावर स्ट्रोक से पिछली दफा जब ये ऊपर गया था तो कैसे गया था, ये ऐसे गया था कि पहिया जब एक दफा आप घुमा देते हो ना, जब कोई भी एक ये रॉड आप घुमा रहे हो, तो
इनर्शिया की वजह से उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है और वो उसको एक दफ़ा ऊपर आने में हेल्प करती है. तो कंप्रेशन स्ट्रोक उससे हो जाता है और पावर स्ट्रोक इस एनर्जी की वजह से क्रिएट हो गया. और फिर उसके बाद फोर्थ स्ट्रोक होता है जिसको हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं. जब एक दफ़ा ये नीचे आ गया दोबारा, उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है. ये एग्जॉस्ट यहाँ से जो पाइप या वॉल्व सा लगा होता है ये खुल जाता है और एग्जॉस्ट गैसेस बाइक या गाड़ी है उसके पाइप से बाहर निकल जाती हैं. ये देखो इस इमेज के अंदर आपको एक स्कीमेटिक नज़र आ रहा है. ये दो वॉल्व हैं, ये जो राइट साइड वाला जहाँ से ब्लू सा ये अंदर आ रहा है ये बेसिकली इनटेक वॉल्व है. ठीक है, यहाँ से इनटेक हो रही है हवा और अभी ये यहाँ पे वन लिखा हुआ है, यानी वन ये फर्स्ट स्ट्रोक है. वो जो मैं आपको बताया था ना इनटेक या सक्शन स्ट्रोक, इफ़ यू रिकॉल हमने यहाँ पे बात की थी कि पहली स्ट्रोक जो होती है वो इनटेक या सक्शन स्ट्रोक होती है. इसमें सक होती है एयर, एयर और फ्यूल यहाँ से सक होगी. ठीक है, और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने शुरू हो जाएगी. एक जगह से एयर ये ऊपर लगी हुई है और एक तरफ से फ्यूल आ रहा है. इधर से एयर और इधर से फ्यूल का मिक्सचर जो है वो अंदर आ रहा है और ये सक्शन हो रही है. उसके बाद थोड़ा सा आप आगे चलो तो देखो, एक दफ़ा वो पूरा नीचे आया और नीचे ये जो चीज़ घूम रही है इसने दोबारा उसको मूव करवाया ऊपर की तरफ. ये कंप्रेशन स्ट्रोक है. वो जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर था ना वो पूरा अब प्रेस हो रहा है ऊपर की तरफ कंप्रेशन की वजह से. वो ऊपर की तरफ इतना ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, उसका प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जब वो इधर ऊपर पहुँचेगा ना तो इतने ज़्यादा प्रेशर वाले फ्यूल मिक्सचर को जब हम हल्का सा चिंगारी उसको लगाते हैं ना, स्पार्क लगाते हैं. अभी देखना स्पार्क आएगा यहाँ से. देखा ये स्पार्क अभी आपको नज़र आया था, मैं फिर इसको स्लो करके आपको दिखाता हूँ. ये उसको स्पार्क लगता है बहुत ही हाई प्रेशराइज्ड गैसेस को, और स्पार्क की वजह से उसको झटका पड़ता है, वो नीचे की तरफ आती हैं और उससे फिर एनर्जी मिलती है. और जो नीचे जो भी चीज़ लगी है इसको आप मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करा लेते हो और आप इससे कोई भी व्हील या जो भी चीज़ आप घुमाना चाहते हो घुमा सकते हो. एंड दिस वॉज द कंप्रेशन स्ट्रोक. और फिर इसके बाद फोर्थ स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक. ये देखो ये फोर्थ टाइम आप एग्जॉस्ट कर रहे हो यहाँ से ऊपर की तरफ. जब ये आखिरी दफ़ा अभी मूव किया है, अगर आप इसको स्लो मोशन में देखो, ये आखिरी दफ़ा जब ऊपर मूव किया है तो यहाँ से ये गैसेस सारी बाहर निकल रही हैं. ये वो एग्जॉस्ट गैसेस हैं जो आपको अक्सर वो बाइक के पाइप वगैरह से बाहर निकलती हुई नज़र आती हैं ना, ये वो एग्जॉस्ट गैसेस हैं. आप एक दफ़ा थोड़ा क्विक रिव्यू इसका देख लो. एयर इनसाइड आई, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट. एयर अंदर आई, कंप्रेशन स्ट्रोक, स्पार्क प्लग, इग्निशन, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट. ये एक और वीडियो है, इससे भी आपको खासा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. देखो यहाँ से ये अंदर एयर आ रहा है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ से एंटर हो रहा है. ठीक है, ये ऊपर की तरफ वो कंप्रेशन स्ट्रोक मिला, ऊपर से स्पार्क मिला उसको, यहाँ से ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है उसको स्पार्क देता है. स्पार्क के बाद ये नीचे आए, ये पावर स्ट्रोक चल रहा है. पावर स्ट्रोक के बाद फिर वो फिर ऊपर गया. और देखो ये अब जब ऊपर जाता है ना, दिस इज़ द एग्जॉस्ट स्ट्रोक. एग्जॉस्ट में आपने देखा था बाहर की तरफ यहाँ से इस से बाहर गैसेस निकल रही थी. सो ये एक पूरा साइकिल होता है, सॉरी, किसी भी इंटरनल कंबशन इंजन का, किसी भी गाड़ी में भी जो इंजन लगा हुआ है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा होता है. उसमें पिस्टन होता है जो ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है. और इस सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होता है हम कहते हैं कि गाड़ी या बाइक उतने सीसी का है. ठीक है, ये सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, सी फॉर क्यूबिक, सी फॉर सेंटीमीटर. तो जितना वॉल्यूम होता है सिलेंडर का उतना ही बाइक क्यूबिक सेंटीमीटर्स का होता है. लाइक अगर हम कहते हैं कि 70 सीसी का बाइक है या 100 सीसी का बाइक है, तो इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि 70 सीसी के बाइक में जो सिलेंडर लगा हुआ है पिस्टन जिसके अंदर मूव कर रहा है वो 70 सेंटीमीटर क्यूब का है और इसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब का. तो जितने जो बड़ी गाड़ियाँ होती है उसमें 1000 सीसी, 1500 सीसी, 1300 सीसी, उसमें यह होता है कि एक से ज़्यादा सिलेंडर्स लगे होते हैं. इवन बाइक्स के अंदर एक सिलेंडर नहीं होता, टोटल देर आर 4 सिलेंडर्स एंड इवन ग्रेटर देन हायर देन 4 सिलेंडर्स लगे होते हैं, वो साइमल्टेनियसली सारे काम कर रहे होते हैं. सो अब आपको प्रिंसिपल समझ आ गया पिस्टन इंजन का. पिस्टन इंजन्स के अंदर अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ कहानी है, मैंने क्यों आपको सब सारा कुछ बताया है. एक्चुअली होता यह है पिस्टन इंजन्स के अंदर स्पार्क इग्निशन का एक फिनोमेना आपको बीच में नज़र आया था ना, स्पार्क इग्निशन का, ये तब होता था जब वो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता था. ठीक है, और वो जो गैसेज हैं वो सारी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे कंप्रेस हो जाती थी और वो जो कंप्रेस्ड गैसेज हैं उनको यहाँ से हम एक चिंगारी लगाते थे और जो इन चिंगारी लगाते थे तो एक छोटा सा ब्लास्ट प्रोड्यूस होता था, आग लग जाती थी उसके अंदर और उस ब्लास्ट की वजह से ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता था. ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पार्क इग्निशन. ठीक है, या इसको हम
डिफ्लैग्रेशन भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स के अंदर. डिफ्लैग्रेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बर्न डाउन. तो ये डिफ्लैग्रेशन का फिनोमेना हो रहा है, यानी इसके विद इन एक कंबशन होती है और उसकी वजह से ये नीचे स्पार्क इग्निशन होती है. अब होता ये है कि अगर तो आपने कोई नॉर्मल फ्यूल इस्तेमाल किया है ना, तो वो तो स्पार्क इग्निशन की वजह से जैसे होना चाहिए वैसे होगा. ये जो अभी मैंने आपको सारा समझाया है ये तो आइडियल कंडीशंस में होता है. अब कभी कभी ऐसा होता है आपने कोई ऐसा फ्यूल इस्तेमाल कर लिया, मसलन आपने, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने नॉन एंड डाल दिया. अब नॉन एंड जो है एज अ फ्यूल इस्तेमाल तो हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा फ्यूल नहीं है. अब अच्छा फ्यूल ना होने का वजह मतलब ये होता है कि नॉन एंड को जब आप कंप्रेस करोगे ना, तो लेट्स से कि ये पूरा सिलेंडर था, पिस्टन अभी यहाँ तक पहुँचा है, अभी वो इधर ऊपर तक पहुँचा ही नहीं है. पिस्टन समझ लो कि जब यहाँ तक आ जाता है ना, यहाँ पे जब पिस्टन पहुँचता है उसके बाद यहाँ से एक चिंगारी आती है. अब पिस्टन अभी तक यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, अभी वो यहाँ तक पहुँचा, ठीक है. और जो एयर के और एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसका जो प्रेशर है वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि पिस्टन जू जू ऊपर मूव करता है तो प्रेशर ज़्यादा होता जाता है. फर्स्ट करो यहाँ पे प्रेशर अभी 70 हुआ है, जब वो यहाँ पे पहुँच जाएगा ना पिस्टन, तो प्रेशर उसका 90 के करीब हो जाएगा और तब आके ऊपर से स्पार्क प्लग एक चिंगारी फेंकेगा और आग लगेगी. अब अभी प्रेशर सिर्फ 70 पे पहुँचा है और हुआ ये है कि इस फ्यूल को आग लग गई है. इसको हम बोलते हैं ऑटो इग्निशन. तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. एक होता है स्पार्क इग्निशन. स्पार्क इग्निशन ये है कि जब वो उसका स्पार्क प्लग ने एक ऊपर से एक चिंगारी प्रोड्यूस की, जब कम्प्लीटली पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर चुका हुआ था और वो लिमिट पे पहुंच चुका था, उससे ऊपर वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है. और एक हद तक कंप्रेशन होती है, उतनी कंप्रेशन हो चुकी है जितनी रिक्वायर्ड कंप्रेशन है आइडियल कंडीशंस के अंदर. लेकिन कभी कभी यूं होता है कि अभी आइडियल कंडीशंस पे आप नहीं पहुंचे, उससे पहले ही जो फ्यूल है उसको आग लग गई, ऑटोमेटिकली आग लग गई, ठीक है. इसको हम बोलते हैं ऑटो इग्निशन. इग्नाइट हो जाना, आग लग जाना, तो ऑटोमेटिकली उसको आग लग गई है, यानी ऑटो इग्निशन हो गई है. अब ऑटो इग्निशन से होता क्या है कि अब यहीं पे एकदम आग लग गई है और आग लगा हुआ जो मिक्सचर है वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि पिस्टन तो अभी भी ऊपर जा रहा है. वो आग लगे हुए मिक्सचर को जब आप मजीद कंप्रेस करोगे तो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा, यानी प्रेशर वैसे तो 90 प्रेशर हो जाता है, उसके बाद हम आग लगाते हैं तो प्रेशर एकदम बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है और जिसकी वजह से ये पिस्टन नीचे मूव करता है. अब यहीं पे प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया और आप मजीद उसको दबाए जा रहे हो, तो उससे होगा ये कि प्रेशर हो सकता है 200-300 तक यहाँ पे पहुँच जाए इस जगह पे, और जिसकी वजह से एक अजीब सी ना एक आवाज़ आती है, एक पिंचिंग की आवाज़ आती है इंजन के अंदर से, जिसको हम बोलते हैं नॉकिंग, ठीक है. ये पूरी कहानी मैंने आपको इसलिए समझाई है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि नॉकिंग किस चीज़ को कहते हैं. मैं रिपीट कर देता हूँ कि इंटरनल कंबशन इंजन्स या पिस्टन इंजन्स के अंदर जब कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, क्योंकि अब आप स्ट्रोक का भी आइडिया आपको ऊपर हो चुका है, मैंने आपको समझा दिया है कि कंप्रेशन स्ट्रोक किसको बोलते हैं. कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक के दरमियान ना, जब ये कंप्रेशन स्ट्रोक ऊपर की तरफ मूव करता है और पावर स्ट्रोक उसके बाद मिलती है, जब वो नीचे की तरफ धक्का मिलता है उस पिस्टन को, उसके दरमियान एक स्पार्क मिलता है स्पार्क प्लग से. वो स्पार्क जो है वो अभी नहीं मिला, उससे पहले ही क्या हुआ कि वो जो भी आपने गैस यूज़ की है नॉन एन या जो भी आपने गैस यूज़ की है, वो इतना अच्छा फ्यूल नहीं था, वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका और वो ऑटोमेटिकली ऑटो इग्नाइट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ही हाई प्रेशर क्रिएट हुआ और उसकी वजह से एक फिनोमेना हुआ जो अजीब सी आवाज़ आने लग गई इंजन की वजह से, नॉकिंग. नॉकिंग बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूस होती रहे तो इससे इंजन जो है वो टोटली बंद भी हो सकता है, ठीक है, या उसको आग भी लग सकती है उसके अंदर, ठीक है. अब हम दोबारा उस ऊपर आ जाते हैं जो आज का एक्चुअली हमारा टॉपिक था, ऑक्टेन रेटिंग ऑफ फ्यूल या ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल. ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन रेटिंग किसी भी फ्यूल का ये चीज़ होती है, उस फ्यूल की सलाहियत या एबिलिटी टू विदस्टैंड के वो बर्दाश्त करे कंप्रेशन दबाव बिफोर इग्निशन, जलने से पहले. अब इस पूरी डेफिनेशन पे आप गौर करो, ये एक्चुअली क्या बात हो रही है. किसी भी फ्यूल की ये सलाहियत कि वो बर्दाश्त करे दबाव को
जलने से पहले, यानी अगर कोई फ्यूल बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है बिफोर बर्निंग, तो इसका मतलब है उसका ऑक्टेन रेटिंग बहुत ही ज़्यादा होगी, और अगर कोई फ्यूल जो है वो बहुत ही कम बर्दाश्त करे तो उसकी ऑक्टेन रेटिंग बहुत ही कम होगी। अगर आप कोई भी आर्बिट्रेरी फ्यूल लेते हो, आर्बिट्रेरी फ्यूल, फॉर एग्जाम्पल आपने, आपको नहीं पता, आपको एक ग्लास के अंदर कोई चीज़ दे दी गई, ठीक है, एक बॉटल के अंदर, और आपसे पूछा गया क्या ये अच्छा फ्यूल है या बुरा फ्यूल है, तो आप क्या करोगे कि आप उसको कंप्रेस करके चेक करोगे कि ये किस हद तक कंप्रेस होता है जलने से पहले, ठीक है। अगर तो वो हल्का सा आपने कंप्रेस किया और ऑटोमेटिकली उसको आग लग गई, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही लो ऑक्टेन रेटिंग है इस फ्यूल की, लो ऑक्टेन रेटिंग है। और अगर आपने बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस किया, बिल्कुल आपने दबा दिया, इतनी सी जगह पे टोटल फ्यूल आ गया और अभी तक उसको आग नहीं लगी, इसका मतलब है ये बहुत ही अच्छा फ्यूल है, ये हाई ऑक्टेन रेटिंग है इस फ्यूल की। इसे आपको ये पता चल रहा है कि अगर किसी फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा है तो क्या होगा कि वो इतनी जल्दी ऑटो इग्निशन नहीं हो जाएगी उसकी, यानी ये जो नॉकिंग का फिनोमेना था ये नहीं होगा। तो जितना कोई ऑक्टेन नंबर हाई होता है किसी फ्यूल का, उतने ही नॉकिंग के चांसेस कम होते हैं, ठीक हो गया। ऑक्टेन नंबर कैसे मेजर करते हैं, अब हम इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेजर करने के लिए हमें कोई स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम सबसे पहले कोई एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया है कि 2-2-4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, ये कंपाउंड है, ये क्या कंपाउंड है, पेंटेन है, यानी 5 कार्बन्स हैं, ठीक है, और 2-2-4 यानी 2 लोकेशन के ऊपर, और 2 लोकेशन के ऊपर और 4 लोकेशन के ऊपर 3 दफ़ा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3। ये हमने कैसे ये नाम दिया है ये आपको इससे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर समझ आएगा ये कंसेप्ट, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप ये देख लो कि हम इसको, बस ये कंपाउंड बन गया, हम इसको आइसो ऑक्टेन भी कहते हैं, ठीक है, ये एक आइसोमर है ऑक्टेन का। अब 2-2-4 ट्राइमिथाइल पेंटेन जो है इसको मैकेनिकल इंजीनियर्स वगैरह ने चेक किया और उनको ये पता चला कि ये जो है इसको एज अ फ्यूल अगर इस्तेमाल किया जाए ना तो नॉकिंग बहुत ही कम होती है, यह होती ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको उन्होंने 100 का नंबर दे दिया, इसकी ऑक्टेन रेटिंग उन्होंने 100 सेट कर दी, और बाकी जो भी चीज़ उन्होंने मेजर करनी होती है उसको फिर इससे रिलेटिव चेक करते हैं, ठीक है। इसका एक ना थोड़ा टेक्निकल सा प्रोसीजर है, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉटल है जिसके अंदर एक फ्यूल है, एक्स वाई जी फ्यूल, आपको नहीं पता ये कौन सा फ्यूल है, आपसे ये पूछा गया है कि आप बताओ इसकी कितनी ऑक्टेन रेटिंग है या ऑक्टेन नंबर इसका कितना है। ऑक्टेन नंबर इसका नहीं पता, वो आपने पता चलाना है। तो आप क्या करते हो कि इस फ्यूल को ना चेक करते हो किसी भी इंजन के अंदर डाल के कि इससे कितनी नॉकिंग प्रोड्यूस हो रही है, या इसकी क्वालिटी चेक करते हो, और फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि वो जो आपने आइसो ऑक्टेन लिया था ना, आइसो ऑक्टेन और दूसरी जो आपने चीज ली थी, दूसरा आपको बल्कि अभी बताया नहीं है, एक होता है n-heptane, हेप्ट मतलब 7 कार्बन, n का मतलब स्ट्रेट चेन होता है एक सीधी लाइन के अंदर, आइसो का मतलब होता है आइसोमर ब्रांचेस के अंदर, तो n का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कार्बन हो गए, ठीक है, 7 कार्बन एक लाइन के अंदर लगे हुए हैं, बाकी सारे इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये एक आपके पास n-heptane हो गया, और ऊपर आपने बनाया था आइसो ऑक्टेन या 2-2-4 ट्राइमिथाइल पेंटेन भी हम उसको बोलते हैं। इन दोनों कंपाउंड्स को आप इस्तेमाल करते हो और इन दोनों के अंदर आप चेक करते हो कि कितना आइसो ऑक्टेन और कितना n-heptane डाला जाए कि वही क्वालिटी अचीव हो जाए जो इस फ्यूल की है। मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आप ये करते हो कि इस फ्यूल को चेक करते हो कि इससे नॉकिंग कितनी प्रोड्यूस हो रही है, फिर आप मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस के अंदर आइसो ऑक्टेन और n-heptane डाल के चेक करते हो कि ये कितनी नॉकिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जब ये दोनों नॉकिंग्स आपस में बराबर हो जाती हैं, या आप ये कह लो कि ये दोनों इक्वल क्वालिटी के फ्यूल्स हो जाते हैं, फिर आप देखते हो कि आइसो ऑक्टेन कितने परसेंट आपने इस्तेमाल किया था। अगर आपने आइसो ऑक्टेन जो है वो 90% इस्तेमाल किया था, 90% आइसो ऑक्टेन और 10% n-heptane आपने इस्तेमाल किया और वही क्वालिटी बन गई फ्यूल की जो एक्स वाई जी फ्यूल की थी, तो आप कहोगे कि इस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर
90 है, ठीक है। अगर आपने इसी फ्यूल को, ये जो XYZ फ्यूल है, इसको चेक करने के लिए इसी जैसा एक और फ्यूल तैयार किया जो 95% आइसो ऑक्टेन और 5% n-heptane डाल के क्रिएट हुआ, तो इसका मतलब है कि उस फ्यूल की ऑक्टेन नंबर 95 है, ठीक है। सो दिस इज हाउ हम आइसो ऑक्टेन और n-heptane को एज अ स्टैंडर्ड लेके चलते हैं और इन दोनों से रिलेटिव बाकी फ्यूल्स का ऑक्टेन नंबर चेक करते हैं। ऑक्टेन नंबर के हवाले से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, ऑक्टेन नंबर जो है, चूंकि हम लोग रिलेटिवली इसकी वैल्यू चेक करते हैं, रिलेटिव का मतलब हम लोग इसकी, हमने कोई कंपाउंड सेट कर दिया है ना आइसो ऑक्टेन, उसके हिसाब से हम लोग चेक कर रहे होते हैं। तो आइसो ऑक्टेन भी तो कोई परफेक्ट चीज़ नहीं है ना, आइसो ऑक्टेन से बेहतर भी तो कोई चीज़ हो सकती है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ऑक्टेन नंबर की वैल्यू 100 से ज़्यादा भी हो सकती है, और अक्सर ऐसे फ्यूल्स हैं जिसकी 110 तक भी ऑक्टेन नंबर होता है। जो नॉर्मली हम लोग पेट्रोल डलवाते हैं ना, जो पेट्रोल या गैसोलीन हम पेट्रोल पंप से डलवाते हैं पाकिस्तान के अंदर बल्कि दूसरे कंट्रीज के अंदर भी, वो 95 ऑक्टेन नंबर के साथ होता है, ठीक है। और ये जो आप डीजल वगैरह डलवाते हो वो उससे कम ऑक्टेन नंबर का होता है, डीजल की ऑक्टेन नंबर कम होता है पेट्रोल की निस्बत। इसके अलावा कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं जो रेसिंग कार्स में यूज़ होते हैं, रेसिंग कार्स के अंदर, ठीक है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी फ्यूल होता है, वो जो होता है वो ऑलमोस्ट 98 उसका ऑक्टेन नंबर होता है, और इवन 100 एंड 100 प्लस ऑक्टेन नंबर में भी फ्यूल मिल जाता है आपको पेट्रोल पंप्स में ना, वो बॉटल्स की में आपको देते हैं, लेकिन इसमें ये फिर बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन इससे ये है कि फिर इंजन की जो साउंड है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, ठीक है, और इंजन की लाइफ भी इन्हेंस हो जाती है, लाइफ इंक्रीज कर जाती है इंजन की, और नॉकिंग का फिनोमेना बिल्कुल भी अपीयर नहीं होता। दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। मैं आज का लेक्चर थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ। आज के लेक्चर में हमने देखा कि ऑक्टेन रेटिंग जो है किसी भी फ्यूल की वो क्या होती है, हम बेसिकली उस फ्यूल की क्वालिटी जो है ऑक्टेन रेटिंग से पता चलती है, ठीक है। हम लोगों ने पिस्टन इंजन जो है, जो कि कार्स के अंदर होता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, मोटरबाइक्स के अंदर और छोटे जहाज़ों के अंदर भी यूज़ होता है, हेलीकॉप्टर्स में यूज़ होता है, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह के अंदर, इस इंजन की हम लोगों ने देखा है कि ये इंजन किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है। इस इंजन के अंदर चार किस्म के स्ट्रोक्स होते हैं जो कि पिस्टन एक सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा होता है उसकी मदद से। फिर हमने देखा कि स्पार्क इग्निशन इंजन्स के अंदर डीफ्लेग्रेशन का फिनोमेना होता है, यानी स्पार्क इग्नाइट करता है और उसको फिर आग लगती है। अब ऑटो इग्निशन ये होता है कि अभी आपने आग लगाई नहीं है, उससे पहले ही फ्यूल का प्रेशर बढ़ने की वजह से उसको खुद ही आग लग गई है। तो ऑटो इग्निशन एक ख़तरनाक चीज़ है जिसकी वजह से नॉकिंग का फिनोमेना हो जाता है, यानी प्रेशर एकदम बहुत ही हाई हो जाता है प्रेशर, जिसकी वजह से इंजन के सिलेंडर का या पिस्टन का डैमेज होने का चांस होता है। हमने फिर देखा कि ऑक्टेन रेटिंग ये होता है कि कोई फ्यूल जो है उसकी कितनी सलाहियत है कि वो कंप्रेस हो जाए या उसका प्रेशर बढ़ जाए आग लगने से पहले, ठीक है। तो कोई भी आर्बिट्रेरी फ्यूल आप लेते हो और उसको आप कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड्स के साथ, और स्टैंडर्ड्स हम कौन से यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड्स हम 2-4 ट्राइमेथाइलपेंटेन यूज़ करते हैं और दूसरा स्टैंडर्ड होता है n-heptane। इन दोनों के कंपैरेटिवली हम बताते हैं किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आइसो ऑक्टेन बजाते खुद भी परफेक्ट फ्यूल नहीं है। इसके अलावा ऑक्टेन नंबर किसी भी फ्यूल का इन्हेंस कैसे किया जा सकता है, ऑक्टेन नंबर इंक्रीज अगर आपने करना है किसी भी फ्यूल का तो वो कैसे करना है, उसके लिए हम मुख्तलिफ प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ तो हम लोग एडिटिव्स यूज़ करते हैं या फिर हम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस करते हैं, और ये हम दोनों इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।